ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बारिश के महीने में कहीं दीवार तो कहीं पेड़ गिरने की खबर सामने आ रही है। बारिश की वजह से आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास नाले से लगकर बने 3 मकान गिर गए। ये घटना रेती बंदर 1 नंबर पर तुकाराम देवराम चाल में हुआ है। ये मकान कृष्णा गणपत मसने, दिलीप गणपत मसने और एक काशीनाथ का बताया जा रहा है कि नाले से लगकर बने ये मकानों के दीवार में पहले से ही दरार था, मगर लगातार हो रही बारिश से ये और कमज़ोर हो गया। गनीमत ये रही कि ये तीनों मकानों में कुछ दिन पहले ही खाली कर दिया गया था और आज ये मकान गिर गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्णा गणपत मसने है। कैसे हुआ ये आपको? सर ये पहले से दीवार टूटा हुआ था, थोड़ा सा चिर गया हुआ था क्योंकि नाले का काम नहीं हुआ था। गए 15-20 सालों से नाले का काम हुआ नहीं था, तो हम लोग अर्जी करके भी काम तो कुछ हुआ नहीं। अभी कई दिनों के बाद में अर्जी करने के बाद में भी हुआ नहीं, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके गिरते गया दीवार और आज सवेरे 8:30 के करीब पूरा घर के घर नीचे दह गया। किसी को कुछ चोट लगी? नहीं, रूम में कोई रहता नहीं था क्योंकि चिरे आने के वजह से रूम खाली कर दिया था। कितने रूम गिरे? 3 रूम गिर गए। तीनों में कोई नहीं रहता। अभी जो दूसरे 2 रूम तोड़े जा रहे हैं उसमें धोखादाई की, इसके लिए तोड़े जा रहे हैं। उसमें रहते था कोई? जी बिल्कुल, मेरा परिवार रहता था। हाँ, जिसमें मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे 4 भतीजे, मेरी 2 फैमिली, हम लोग सब मिल के रहते थे। हाँ, उसमें मेरे भाई, बड़े भाई का नाम है दिलीप गणपत मसने, मेरी भाभी जी, उनके 4 बच्चे हरीश, हर्षदा, मीरा, दीपाली, हम लोग रहते थे। मनपा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। 2 घर जो धोखादायक है उनको भी खाली करा दिया गया है और गिरे हुए मकानों के बचे हुए हिस्सों को भी मनपा कर्मियों ने गिरा दिया है। इस कार्य के दौरान एहतियात के तौर पर कुछ देर के लिए आसपास के मकानों को भी खाली करा दिया गया था। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।